हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। चिकन बिरयानी कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन आज हम जो चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्विक बन जाती है। तो चलिए, इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चिकन को हल्के से कट्स लगा लिया है, ताकि जब हम इसे मैरिनेट करें तो मसाला इसमें अच्छे से चला जाए। इसके अलावा 500 ग्राम चिकन के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम राइस। मैं यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, जिसको कि हमें 15 मिनट पहले भिगो के रखना है और फिर इसे बॉईल करना है। राइस को कैसे बॉईल करना है, बिरयानी के लिए राइस कैसे बॉईल किए जाए इसका वीडियो मैंने पहले ही मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसमें से इसे देख सकते हैं। 3 बड़े टमाटर चौकोर टुकड़ों में कटे हुए। दही चाहिए हमें 250 ग्राम। दही को अच्छे से फेंट ले ताकि इसमें कोई लम्स न रहे। 3 बड़ी प्याज फ्राई की हुई। अब जब हम बिरयानी कोरमा बनाते हैं तो इसमें फ्राई की हुई प्याज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो प्याज को परफेक्टली कैसे फ्राई किया जाए इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप अगर चाहें तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये प्याज ले ली है मैंने फ्राई की हुई 3 बड़ी। इसके अलावा हमें कुछ पाउडर मसाले और कुछ खड़े मसाले चाहिए, वो देख लेते हैं। पाउडर मसालों में हमें चाहिए बिरयानी मसाला, आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं, वो मैंने ले लिया है 1.5 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर चाहिए हमें आधा टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर चाहिए आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और साथ ही हमें चाहिए हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है, जिसको कि मैंने इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। खड़े मसालों में हमें चाहिए तेज़पत्ता, जावित्री ले लेंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च। तो ये हमने खड़े मसाले देख लिए हैं। अब गार्निश के लिए और या बिरयानी में डालने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने पुदीना ले लिया है। पुदीना पत्ती ले लेंगे और हरा धनिया ले लेंगे, ये आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देसी घी चाहिए हमें बिरयानी का टेस्ट बढ़ाने के लिए। आप सिर्फ चाहे तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं या इसे घी में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर घी और कुकिंग ऑयल दोनों यूज़ करने वाली हूँ। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1.5 टेबलस्पून। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। फूड कलर चाहिए हमें। अब यहाँ पे मैंने 2 फूड कलर लिए हैं, आप आपके चॉइस के हिसाब से फूड कलर ले सकते हैं या तो फिर इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं बिरयानी बनाने की तरफ। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं, एक तो चिकन को मैरिनेट करके पकाना और दूसरा होता है राइस बॉईल करना। राइस कैसे बॉईल करना है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप अगर चाहे तो मेरे चैनल पे राइस कैसे बॉईल किया जाए उसे देख सकते हैं। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन की पेस्ट, साथ ही डालेंगे टमाटर, दही डाल देंगे इसमें। दही को अच्छे से फेंट ले ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो पाउडर मसाले और हरी मिर्च हमें यहाँ पे डाल देनी है। सॉल्ट ऐड कर देंगे, नमक मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे फ्राई की हुई प्याज, फ्राइड ऑनियन डाल देंगे यहाँ पे। इसको हाथों से थोड़ा सा इसे मसल के डालें। पुदीना पत्ती डाल देंगे, पुदीना पत्ती को आप हाथों से तोड़ के डाल सकते हैं, और आप अगर चाहे तो पुदीना पत्ती, हरा धनिया और हरी मिर्च की पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। देखिए, अब हमने इसमें सारे के सारे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो डाल दिए हैं। खड़े मसाले बच गए हैं, जिसको कि हमें फ्राई करते वक्त डाल देना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहे तो अपने हाथों की मदद से इसे मिक्स कर सकते हैं, ताकि ये सब जगह से अच्छे से मसाला लग जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। ये जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। तो अब इसे 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, पैन गर्म हो चुका है हमारा। और इसमें मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं तेल और घी दोनों यूज़ करने वाली हूँ, तो तेल और घी मैंने इसमें डाल दिया है, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारे के सारे खड़े मसाले डाल देंगे, चला देंगे इसे, और मसालों को हमें आधा मिनट तक के चलाते हुए अच्छे से भूनने देना है, ताकि इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए। आधा मिनट बाद मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें हमारा मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे, सारा मसाला हमें इसमें यहाँ पर डाल देना है। तो
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा के सारा मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे ढककर धीमी आँच पर 10 से 15 मिनट तक के पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे एक लीड से ढक देंगे और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे ढक कर धीमी आँच पे 15 मिनट तक के पका लेना है ताकि हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और सारे मसाले जो है उसमें अच्छे से चले जाए। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पैन का ढक्कन हटा देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, तो उस हिसाब से मैंने इसे बीच बीच में चला दिया था। और ये हमारी जो अखनी है बनकर बिल्कुल तैयार है। चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और एक दूसरा पैन ले लेंगे। आप अगर चाहें तो आपका जो वेसल है वो बड़ा है तो इसी में ऊपर राइस डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है तो मैं इसमें दूसरे वेसल में शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक जाड़े तले का बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने ये हमारा सारा जो चिकन अच्छे से पक चुका था इसमें मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं इस पर फूड कलर डाल रही हूँ। नॉर्मली हम जब राइस डालते हैं उसके ऊपर फूड कलर डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चिकन के पीसेस पर डाल रही हूँ क्योंकि जब हम इसे सर्व करते हैं तो जो पीसेस है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, रेड रेड बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर ले लिया है जिसको कि मैंने अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लिया है। मैं उसे यहाँ पे इस तरह से डाल दूँगी। तो ये फूड कलर डाल दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे फूड कलर डाल दिया है मैंने। थोड़ी सी फ्राइड ऑनियन डाल देंगे, फैला देंगे इसे अच्छे से। पुदीना पत्ती डाल देंगे। पुदीना पत्ती को हाथों से थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे। और अब हमने जो राइस बॉइल करके रखे थे वो यहाँ पर राइस को डाल देने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें राइस डाल दिए हैं। अगर आप बहुत अच्छी बिरयानी खाना चाहते हो तो यहाँ पे एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, राइस को हमें प्रेस नहीं करना है। बस इसे हल्के हाथों से इस तरह से ऐसे फैलाते जाएंगे, इसे प्रेस नहीं करना है हमें। ये मैंने इसमें राइस डाल दिया है। अब हम इसे पुदीना पत्ती, हरा धनिया के और देसी घी डाल के इसे गार्निश कर देंगे। और यहाँ पे आप अगर चाहे तो फूड कलर डाल सकते हैं या तो फिर अखनी के ऊपर जो ऑयल आ जाता है वो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो ऑयल निकाल लिया था, ये ऑयल मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ। आप अगर चाहे तो फूड कलर डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, आपके पास अगर केवड़ा वाटर है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। देखिए मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया है। हरा धनिया, पुदीना पत्ती डाल देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए बिरयानी की गार्निशिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसे एक लीड से ढक देंगे। अब इसे ढककर हमें हाई फ्लेम पे पहले 2 मिनट तक के पकाना है और उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे या लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे 7 से 8 मिनट तक के पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है। अगर आपके पास जाड़े तले का बर्तन नहीं है तो आप इसे नीचे पैन या तवा रख सकते हैं और फिर ये बर्तन रख सकते हैं। तो टोटल हमें इसे 10 मिनट तक के पका लेना है, उसके बाद हमारी जो बिरयानी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। पैन का ढक्कन हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी गर्मा गर्म बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अब इसे सर्व करते वक्त हम एक साइड से इसे सर्व करेंगे ताकि हर प्लेट में ये बराबर से। देखिए फ्रेंड्स हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। हमने जो चिकन के पीसेस पर फूड कलर डाला था आप देख सकते हैं कि उसके वजह से चिकन के पीसेस को जो है बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो हमारी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।